स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मीडिया लेक्चर क्लासेस में। आज आप पढ़ेंगे बच्चों लेसन 8 कक्षा 10 में आज आप पढ़ेंगे लेसन 8। लेसन का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे बेटा। त्रिकोणमिति कैसे शुरुआत होती है पहले आप उसके शुरुआत को देखते हैं। तो बेटा इसमें आपको मेन मेन चीजें आने बहुत जरूरी है। जैसे बेटा आपको त्रिकोणमिति पूछा, देखे होंगे त्रिकोणमिति में तो साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए ऐसे होता है कि नहीं, ये आना बहुत जरूरी है। तो बेटा आना बहुत जरूरी है, तो पहले इन सब चीजों का क्या करिएगा, साइन थीटा ठीक है, कॉस थीटा, फिर यहां होता है टैन थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा के बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद होता है क्या, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, और क्या होता है बच्चे कॉट थीटा होता है। ये आपको अच्छी अच्छी से याद रखनी बहुत जरूरी है कि क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। कभी कभी यहाँ पर थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल। कभी कभी यहाँ थीटा ना देखने मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए दे देता है, सभी जगह पे क्या देता है, ए दे देता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि ऐसे सवाल आपको परीक्षा में दिखाई देगा, जैसे साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, सिंगल वाइज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये चीजें अगर आपको याद रहेंगे छो की छो, तो आप त्रिकोणमिति आसानी से कर सकते हैं। अब इन्हीं त्रिकोणमिति का यूज करके हम आपको एक चीज बता रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप कॉपी पे नोट करते रहिए, और जब आपको ये छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी तो आप आगे भी सवाल करना सीख जाएंगे। जैसे बेटा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कितना कॉस थीटा, याद रखिएगा साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कितना कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। और बेटा कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, याद रखिएगा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कितना कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए बेटा आगे चलते हैं, कुछ और निकालते हैं देखते हैं। अब आता है बेटा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है वन अपॉन कितना cot थीटा, ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है वन अपॉन tan थीटा, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा का कितना cos थीटा, इसे कॉपी पे लेके आप नोट करते रहिएगा। और बेटा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा का साइन थीटा, ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा और सवाल आप आसानी से करते रहेंगे। बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है 1 upon cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1 upon tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा upon cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा upon sin थीटा। ये आपको छह सात चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने सुनील आपसे कहा था sin a cos a tan, ठीक है। अब देखिए अब यहां मैं लिख रहा हूं लाल बटे में कक्का, ठीक है। अब इस वाले फार्मूले का यूज करके हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं बेटा। देखिए यल, यल बार क्या होता है, लंब होता है, यल बार क्या होता है, लंब होता है, ए बार क्या होता है, आधार होता है, याद रखिएगा, और के बार क्या होता है मेरे बच्चे, के बार होता है, बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, लंब यल भार लंब होता है लंब, और ए भार क्या होता है आधार होता है, और के भार क्या होता है कॉर्ड होता है। बस पूरी त्रिकोणमिति यही से खत्म हो जाएगी। जैसे बेटा अभी हमने बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको मैं बताया कि साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, बताया। मगर साइन थीटा बराबर एक चीज और होता है, इसको बेटा देखिए ध्यान से समझिएगा, इस वाले को साइन मानते हैं, यहां पर बता रहे हैं, ठीक है।
इसको मानते हैं साइन छक्का होता है और यह होता है काश छक्का और यह होता है टैन छक्का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा साइन ए काश और टैन। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है मेरे बच्चे, कोशेक होता है। तो पहले साइन को जान लेते हैं। देखिए जब ये साइन थीटा बराबर आपसे कोई पूछेगा तो हमने पूछा है बताया है कि यल से क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लंब बटे में कोण कहाँ से आया, लंब और बटे में कोण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे में क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब कोई कह दे काश थीटा बराबर, आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।